हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। बच्चों, आज हम SSLC 10th थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश की एक पोएम है, यानी लास्ट पोएम इट नेवर कम्स अगेन, ये पोएम के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी पॉसिबल्स हैं इसमें, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए ठीक है, जो बिना देर किए हम चलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, इट नेवर कम्स अगेन, हियर द वर्ड इट मीन्स, यानी जो इट नेवर कम्स अगेन जो सेंटेंस है, इसके अंदर इट का मीन क्या है, यानी मीनिंग्स क्या है इसके। ए हेल्थ, बी वेल्थ, सी यूथ, डी रिलेशनशिप। तो सही ऑप्शन इसका सी है, यूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वी बिहोल्ड यूथ ऑन द अर्थ एंड इन डैश डैश। आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है हमारे को, मतलब इसके आगे क्या आता। ठीक है, तो ऑप्शन है, ए द एयर, बी द स्काई, सी द ट्री, डी द क्लाउड। तो सही इसका जो हमारा आगे कंप्लीशन है वो है, वी बिहोल्ड यूथ ऑन द अर्थ एंड इन द एयर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, वी फील समथिंग स्वीट इन द पीरियड ऑफ, यानी हम एक स्वीट फील करते हैं, कहते हैं वो कौन से पीरियड में करते हैं, बोल के पूछ रहा है। ए ओल्ड एज, बी चाइल्डहुड, सी यूथ, या डी मिडल एज। तो सही ऑप्शन है हमारा सी यूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन, द पोएम इट नेवर कम्स अगेन वॉज रिटन बाय, ये जो पोएम हमारी इट नेवर कम्स अगेन, ये कौन रिटन करे। ए जी ई गुडरिच, बी विलियम ब्लेक, सी रिचर्ड हेनरी स्टॉडर्ड, डी एनॉन। तो सही ऑप्शन इसका है सी रिचर्ड हेनरी स्टॉडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट रिचर्ड हेनरी डैश नेवर कम्स अगेन, यानी जो पोएट है हमारा रिचर्ड हेनरी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है वो चीज़ जो नेवर कम्स अगेन। ए वेल्थ, बी लाइफ, सी यूथ, डी ड्रीम। तो सही ऑप्शन है इसका सी यूथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वी आर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर एट, यानी हम एक स्ट्रॉन्गर और बेटर फील करते हैं कब। ए एन ओल्ड एज में, बी ए मिडल एज में, या सी चाइल्ड यानी बचपन में, डी या यूथ जवानी में। तो सही ऑप्शन है इसका डी यूथ में। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, वी सी यूथ ऑन द, पोएम के मुताबिक ये जो वर्ड दिए, वी सी यूथ ऑन द, ये जो यूथ है हम कहाँ देखते हैं उसको। ए अर्थ एंड इन द हेवन, बी स्काई एंड इन द एयर, सी अर्थ एंड इन द हेल, डी अर्थ एंड इन द एयर। तो सही ऑप्शन इसका डी है, अर्थ एंड इन द एयर। ओके, नेक्स्ट सेवंथ वन देखिए, द पोएम, इन द पोएम इट नेवर कम्स अगेन, द पोएट एम्फसाइजेस ऑन द ब्यूटी ऑफ डैश इन वंस लाइफ। द करेक्ट आंसर टू बी फिल हियर, डी, यहाँ एक डैश दिया है उसको फिल करना है, यानी ये जो पोएम है इट नेवर कम्स, इसके हिसाब से जो पोएट जो एम्फसाइज करे ब्यूटी किसकी, ए चाइल्डहुड की, या बी मिडल एज की, सी यूथ की, या डी ओल्ड एज की। यानी अगर ये पोएम हम देखेंगे तो सारा जो पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करे वो किसको करा है, सी ऑप्शन है सही इसका, यूथ यानी जवानी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, देर इज़ गेन फॉर ऑल आवर डैश, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करना है, देर इज़ अ गेन फॉर ऑल आवर डैश। ए पेन, बी लॉसेस, सी उन, डी ओल्ड एज। तो सही ऑप्शन है इसका बी लॉसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, When the youth depart, it takes something from our dash. यानी जब जवानी डिपार्ट होती है, यानी चले जाती है, तो हमारे कुछ लेके जाती है, कहते हैं कहाँ से लेके जाती है, वो डैश में फिल करना। ए लाइफ में से, बी आई, सी हार्ट, डी फैमिली। तो सही ऑप्शन है इसका सी हार्ट। ओके, नेक्स्ट टेंथ वन देखिए, वी आर स्ट्रॉन्गर एंड बेटर अंडर, हम स्ट्रॉन्गर और बेटर रहते अंडर, किसके अंडर। ए चाइल्डहुड में, बी यूथ में, सी मैनहुड में, या डी टीनेज में। तो सही है इसका सी है, देखिए मैनहुड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समथिंग ब्यूटिफुल इज वैनिश्ड, वी डैश फॉर इट। यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करना है और डैश में फिलअप करना है, समथिंग ब्यूटिफुल इज वैनिश्ड, यानी कुछ खूबसूरत वैनिश हो जाता है, कहते वी डैश फॉर इट, हम उसके लिए डैश होते हैं, मतलब ए साई, बी क्राई, सी स्ट्रगल, डी फील। तो सही ऑप्शन है इसका ए वाला साई फॉर इट। ओके, वी साई फॉर इट। ठीक है, तो बच्चों ये थे चंद क्वेश्चंस, इसमें के आने वाले चांसेस थे। ये पोएम ऐसे तो मेमोराइजेशन थी, मगर इस साल MCQ आने से क्या है, सारे क्वेश्चंस MCQ में होंगे, तो इतने आप प्रिपेयर कीजिए। उम्मीद है इसी में से आपको एक या दो नंबर, एटलीस्ट दो तो आएंगे जी, तो इसमें से पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक,
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।